हमारे देसी हिसाब में कहते हैं कि जी अ शॉर्ट स्मॉल सेंटेंस विद इन अ लॉन्गर वन, या अ शॉर्ट सेंटेंस विद इन अ लॉन्गर सेंटेंस इज अ क्लॉज। जैसे व्हाइल आई वाज कुकिंग मसूद वाज मेकिंग सैलेड। तो देखें दो क्लॉज हैं, इनफैक्ट ये दो स्मॉल सेंटेंसेस हैं एंड दे आर जॉइंड टुगेदर बाय अ कंजंक्शन व्हाइल। तो पहली टिप आपके लिए कि जब भी एक क्लॉज के शुरू में कंजंक्शन आए, जैसे बिफोर, आफ्टर, एंड, बट, व्हाइल, इस तरह की क्लॉज जिसके शुरू में ये कंजंक्शन हरूफ रब्त जिसको कहते हैं रब्ता बनाने वाले हरूफ, ये हरूफ रब्त रब्ता या हरूफ रब्त कंजंक्शंस, ये जब बना होते हैं कम इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और इन द बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज, यू हैव टू पुट अ कॉमा, कॉमा आपने जरूर लगाना है, वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। हम नॉन नेटिव है, गैर अहले जबान है, हमें शायद इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन जो अहले जुबान है उनको पता लगता है कि ये एक बड़ी मिस्टेक है। तो टॉफल में, आईएलटीएस में, जॉब रिलेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट में इस तरह के ये ट्रिक्स या ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सो व्हाइल आई वाज मेकिंग सैलड मसूद वाज मेकिंग, व्हाइल आई वाज कुकिंग मसूद वाज मेकिंग सैलड, आप इसको रिवर्स कर दें, मसूद वाज मेकिंग सैलड व्हाइल आई वाज कुकिंग, अब आपको कॉमा की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस के शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं है। ये मैं देखिए, मैं यहाँ पे अगर लिखूं कि व्हाइल आई वाज कुकिंग मसूद वाज मेकिंग सैलड, ये है जी इसके शुरू में कंजंक्शन व्हाइल आ गई है, कॉमा आपने लगाना है। इस सेंटेंस को आप रिवर्स कर दें कि मसूद was making salad while I was cooking, अब कॉमा की जरूरत नहीं रही है क्योंकि ये सेंटेंस किसी कंजंक्शन या हरूफ रब्त से शुरू नहीं हो रहा। क्लियर है जी? हेलो, ये पॉइंट क्लियर है जी? कंजंक्शन वाला जी सर, क्लियर है। ओके, ये देखें इन्होंने बताया नहीं तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिए। नेक्स्ट एग्जांपल में नंबर 3 केस शोज दैट वन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस व्हेन द सेकंड एक्शन अक्यूर्ड। व्हेन अली केम द टीचर वाज टीचिंग, व्हेन अली केम द टीचर वाज टीचिंग, इसको रिवर्स करें, द टीचर वाज टीचिंग व्हेन अली केम, या व्हाइल द टीचर वाज टीचिंग। एक बात दूसरी टिप आपको मैं दे रहा हूँ, व्हाइल हमेशा वहां पर रहते हैं जहां पे फेल जारी हो। आई रिपीट, व्हाइल आप उसी वक्त लगाते हैं नॉर्मली ग्रामेटिकली, मैं ग्रामर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ग्रामर में व्हाइल उस वक्त आपको यूज करना है जब फेल काम जारी हो। जैसे व्हाइल द टीचर वॉज टीचिंग, जब टीचर टीच कर रहा था, ये टीचिंग का काम इन प्रोग्रेस था उस वक्त, व्हाइल द टीचर वॉज टीचिंग अली केम, When Ali came, the teacher was teaching. So, ये past progressive एक बात, और दूसरे इसमें specific time है, सही time कौन सा है? When Ali came, ये है specific time, अगर आप note कर रहे हो। इसमें आप ये question कर सकते हैं कि सर इसमें तो specific time नहीं है, आपने कहा था कि simple past progressive tense में specific मखसूस वक्त होना चाहिए, तो when Ali came, the teacher was teaching, इसमें तो कोई specific time है ही नहीं। So, there is a specific time. The moment Ali came, that moment is a specific time. So while the teacher was teaching, Ali came. I guess it is clear. Structure is very simple. Subject, verb first form plus ing, or then complement or object. Yeah, aap jante hain. Or agar subject helping verb is maujood hai. If helping verb is there, to aap iska negative bana sakte hain aasani ke saath. कौन बनाएगा जी नेगेटिव? फरिश्ता वाज क्लीनिंग हर रूम एट 10 o'clock, फरिश्ता वाज क्लीनिंग हर रूम एट 10 o'clock, इसको आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे जी? एनी वन ऑफ यू सर, रिपीट इट। फरिश्ता वाज क्लीनिंग हर रूम एट 10 o'clock, चेंज इट इनटू नेगेटिव। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा रिपीट कर लें। Farishta was cleaning
her room at 10 o'clock. Okay, fine. Helping verb after was. Was ke saath not laga de. Sentence will translate into negative. Farishta was not cleaning her room at 10 o'clock. Ye baat aapko pata hai. Farishta was not. اختصار کر کے آپ اس کو wasn't بھی کر سکتے ہیں. فرشتہ wasn't cleaning her room at 10 o'clock. تب بھی ٹھیک ہے. فرشتہ cleaning was اور interrogative کے لیے یہی helping verb آپ شروع میں لگا دیں تو یہ آپ کا بن جائے گا was فرشتہ cleaning her room at 10 o'clock. یہ آپ کو پتا ہے. No need to waste your time. Was فرشتہ not cleaning her room at 10 o'clock. Interrogative negative. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے. No need to waste your time. अब यहाँ पे थोड़ी सी आपका एंटरटेनमेंट के लिए ये स्लाइड्स है कलरफुल, क्योंकि हमारी क्लास में बच्चे भी हैं तो उनको भी जरा खुश रखना है. ये he ran to work yesterday, सिंपल पास्ट. He ran to work yesterday. He was running when the bus drove by. वो दौड़ रहा था जबकि बस उसके करीब से गुजरी. वो दौड़ रहा था. He was running. ये एक काम जारी था जबकि दूसरा काम हुआ. The bus drove by. बस करीब से गुजरी. ये दो काम at a time जारी थे. इन्होंने एक दूसरे को interrupt नहीं किया, दूसरे को रोका नहीं. ये है past progressive. ये देखिए आप इसके animation. Simple past. Sarah ran to work yesterday. Shoaib drove to work this morning. Those don't know simple past hai. Fine. Began and ended at a particular time in the past. Ye hum study kar chuke hain simple past. Maazi mein ek waqt mein shuru hote hain, maazi mein hi mukammal hote hain. Ek waqt means makhsoos waqt, specific time. Sarah ran to work yesterday. Kal wo kaam karne ke liye bhagi. Sarah. Shoaib drove to work this morning. Aaj subah Shoaib work ke liye usne gaadi drive ki wagaira. ये आपको पता है. Past progressive ये भी आपको पता है. Rahim was running. अब specific time चाहिए. इस वक्त when the bus drove by, जब बस गुजरी उस वक्त वो भाग रहा था. Specific time आप यूं भी कह सकते हैं. Rahim was running yesterday at 10 o'clock in the morning. ये भी specific time. आप ये भी specific time दे सकते हैं. When the bus drove by, जब बस उसके करीब से गुजरी उस वक्त वो भाग रहा था. बस गुजरने से पहले और बस गुजरने के बाद वो नहीं भाग गया था. इसका ये मतलब हो गया. तो स्पेसिफिक टाइम हो गया. दे वर ईटिंग व्हेन आई गॉट होम. व्हेन जब इसका ताल्लुक टाइम से. व्हेन डब्ल्यू एच ई एन व्हेन का ताल्लुक टाइम से है. डब्ल्यू एच आई एल ई व्हाइल इसका ताल्लुक जेरियान प्रोग्रेशन से. जब एक काम जारी हो उसके लिए व्हाइल यूज करते हैं. इन्होंने आगे यूज किया भी है. In progress was a verb. जब भी कोई continuous sentence होगा first form with ing must होगी. कोई भी जारी या continuous tense हो, simple present continuous, past present perfect continuous, past continuous, past perfect continuous, future continuous, future perfect continuous वगैरह वगैरह. और इसके अलावा भी जितने आप tenses कर सकते हैं recall सब के. When the bus drove by again देखें. Sir. When. जी. Sir. जी सर. ऑल्दो कब यूज. सर ऑल्दो का यूज कब होता है. ऑल्दो अब अगर आप पुराने सेंटेंसेस थोड़े से पीछे 20-25 साल पीछे जाके देखें तो उस वक्त लोग ये यूज करते थे. ऑल्दो इन द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लॉज लाइक ऑल्दो ही वाज पुअर येट ही गॉट हिज डेस्टिनी येट ही मेड हिज डेस्टिनी. ऑल्दो अगरचे ही वाज पुअर वो गरीब था. येट ही गॉट हिज डेस्टिनी फिर भी उसने अपनी मंजिल पा ली. तो अब यहाँ पर पहली क्लॉज ऑल्दो से शुरू हो रहा है. ठीक है इसके बाद कंजंक्शन आना चाहिए लेकिन कंजंक्शन की जगह पे आपने येट लिख दिया. ऑल्दो ऑलवेज फॉलोड बाय येट. ये आपसे 15-20 साल नहीं वाइल जिरियान में वाइल जिरियान जारी में जब आप एक काम जारी हो उस वक्त. जैसे व्हाइल ही वाज टीचिंग अली केम जबकि ऑल्दो
एक सूरत हाल को जाहिर करते हैं, ऑल दो ही वाज पुअर, अगर जो वो बड़ा गरीब था उसकी सूरत हाल बड़ी खराब थी फाइनेंशियली, ऑल दो सिचुएशन को शो करता है, और वाइल एक काम के जरियान कंटिन्यूएशन को शो करता है। क्लियर है जी? सर फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं कि ऑल दो ही इज पुअर बट नॉट फॉलिश। हाँ, तो आप देखें ये उसकी सिचुएशन को शो करता है कि अगर वो गरीब है लेकिन वो क्या फुलिश नहीं है, इसमें उसके किसी काम के जरियान, किसी काम का कंटिन्यूएशन का कोई जिक्र नहीं है। वाइल नहीं यूज करते, ऑल दो यूज करते, ऑल दो सिचुएशन के लिए, वाइल जरियान के लिए, बस। क्लियर है जी? जी सर क्लियर है, थैंक यू। वेलकम। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। When the bus drove by, Rahim was running. Again, when conjunction जुमले के शुरू में आ गया, क्लॉज के शुरू में, जो ही ये क्लॉज खत्म होगी कामा आपने लगाना है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। The bus drove by while Rahim was running. Second sentence, F, F, F. इसमें देखिए शुरू में कंजंक्शन नहीं है तो कामा भी नहीं है। E sentence में शुरू में कंजंक्शन है, कामा भी है। शुरू का मतलब इस क्लॉज के शुरू में कंजंक्शन है, एट द एंड ऑफ द क्लॉज यू हैव टू यूज कॉमा, और ये बात डिस्कस कर चुके हैं। ये उन्होंने बता दिया व्हेन एट दैट टाइम, यानी व्हेन का ताल्लुक टाइम से है, और व्हाइल का ताल्लुक ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब ही जरियान है, डी यू आर आई एन जी, ड्यूरिंग, दौरान। ये देखिए उर्दू का दौरान और इंग्लिश का ड्यूरिंग, ये कितना मिलता जुलता लफ्ज है। एक्चुअली इंग्लिश चूंकि वर्ल्ड लैंग्वेज है तो इस तरह इसमें बहुत सारे दूसरी जबानों के अल्फाज मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, अमीरुल बहर, एडमिरल, लोफर अंग्रेजी का लफज है, याद रखें लोफर ये अंग्रेजी का लफज है, और ये उर्दू का एक लफ्ज है सिपाही। अब अंग्रेजी में एस ई पी ओ वाई, सिपाही यूज होता है, एस ई पी ओ वाई, सिपाही, ये वही उर्दू का लफ्ज सिपाही है। तो चूंकि ये इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन रही है तो बहुत सारी जबानों के अल्फाज इसमें शामिल हो रहे हैं, तो बड़ी इसमें रिजेम्बलेंस भी है। नेक्स्ट है टाइम क्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम क्लॉज किस वक्त आ सकती है? When, while, before, after. ये जब conjunctions आ जाएं, when, while, before, after, इन तो इसका मतलब है कि इसके बाद आपने time clause लगानी है। मिसाल के तौर पे, John escaped when the police came. John, यहिया, उर्दू में इसको यहिया कहते हैं, John. John escaped when the police came. आप इसको जरा time clause लगा के देखें। When the police came, इसको शुरू में लगाएं, when. कंजंक्शन हरूफ रब, इसको शुरू में लगाएं, ये अगर शुरू में लगाएंगे तो आपने कॉमा यूज करना है ऐसे। तो व्हेन द पुलिस केम, व्हेन शुरू में आया कॉमा लगा दिया, व्हेन द पुलिस केम कॉमा जॉन एस्केप्ड। व्हेन द पुलिस केम जॉन एस्केप्ड। व्हेन द टीचर केम, टीचर, व्हेन द टीचर केम स्टूडेंट स्टार्टेड टॉकिंग, फॉर एग्जाम्पल। आप इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। Our son called while we were using the computer. Our son called, simple past. We were using the computer. हम कंप्यूटर यूज कर रहे थे। Past progressive. तो past progressive, simple past. इनको मिला दिया गया while के साथ। While क्यों लगाया गया? अगर आपको मेरी बात याद हो कि while एक काम अगर जारी हो, we were using the computer. कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का काम जारी था, इसलिए वाइल लगाया। अगर ये जारी ना होता तो फिर क्या लगाते जी वाइल की जगह? सर सो दैट, दोबारा बोले, आपकी आवाज क्लियर नहीं। सर रिपीट इट। मैंने कहा आवर सन कॉल्ड, और दूसरी क्लॉज है वी वर यूजिंग द कंप्यूटर, और दरमियान में लगाया व्हाइल। ये क्यों व्हाइल लगाया, व्हेन क्यों नहीं लगाया?
सर when तो टाइम के साथ यूज होता है ना. ठीक हो गया. और while? While तो सर means कि वो किसी दूसरे काम में मसरूफ, इसका मतलब है जबकि वो ऐसा भी कर रहा था. सर while इसकी वजह से यूज नहीं होता. कर रहा था जबकि वो ऐसा भी कर रहा था, ये है आपका जवाब. यानी दूसरा काम कर रहा था, जारी था, जिरियान के लिए वायल आता है जी. बस ये है इसका जवाब. जब दूसरा काम जिरियान में था, जब दूसरा काम जिरियान जारी था, कंटिन्यूएशन में था, प्रोग्रेस में था, तो जब प्रोग्रेस में था दूसरा काम, उससे पहले वायल लगाते हैं. तो वायल उसी वक्त लगाते हैं जब दूसरा काम जारी था. आप इसको यूं कर सकते हैं, वायल वी वर यूजिंग द कंप्यूटर कॉमा आवर सन कॉल्ड. वायल वी वर यूजिंग द कंप्यूटर आवर सन कॉल्ड. ये इसी चीज के मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि वाइल जिरियान से पहले आते हैं. After I exercised, I took a shower. After I exercised, I took a shower. इसको जरा रिफ्रेज करें दोबारा. I took a shower इस क्लॉज को पहले लगाएं और I exercised इसको बाद में लगाएं. कौन कर सकता है जी? ट्राई करें. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ये है ए. After I exercised, I took a shower. मैंने आपसे कहा कि इसको रिवर्स कर दें. I took a shower को शुरू में लगाएं, after I exercised को बाद में लगाएं. तो ये कैसे चेंज होगा? थोड़ा सा एक लफ्ज आपने चेंज करने. ये टाइम क्लॉज, मेन क्लॉज और आफ्टर आपका कंजंक्शन है, इसको आपने बदलना है ऐसे. आई टुक अ शावर आफ्टर आई एक्सरसाइज्ड, या बिफोर आई टुक अ शावर आई एक्सरसाइज्ड. आप यू भी कर सकते हैं, बिफोर आई टुक अ शावर कॉमा आई एक्सरसाइज्ड. मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? यस सर. यस सर. आपको भी आवाज आ रही है? क्लियर. क्योंकि अभी मैंने माइक अपने मुंह के बिल्कुल करीब पकड़ा हुआ, तो इसलिए अभी आवाज आनी चाहिए. ओके जी, आई रिपीट. देखें, ये एक एग्जांपल है आपकी अंग्रेजी. अगर आप वाकई इंप्रूव करना चाहते हैं तो अंग्रेजी के साथ जरा खेलें. जब एक चीज के साथ आप खेलते हैं तो आपका उसका खौफ दूर हो जाता है. So let's play with this sentence. After I exercised, I took a shower. I exercised, main clause ho gaya. I took a shower, ye time clause ho gaya. I exercised, I took a shower, main clause. Ye I exercised, kyun time clause hai? Kyunki iske sath after hai. Is after ki wajah se ye time clause hai. Iske sath is tarah ka after ya before ya while ya during wagaira wagaira is tarah ki koi time expression nahi hai. Hum isko main clause kehte hain. तो इस मेन क्लास को आप अगर शुरू में लगा दें, आई टुक अ शावर आफ्टर आई एक्सरसाइज्ड. आप यू भी कर सकते हैं. अब मैं आपसे कहता हूँ कि चलिए इस आफ्टर को, ये एक टाइम एक्सप्रेशन है, इसको आप बिफोर में कन्वर्ट करें तो क्या चेंज आए, कैसे चेंज, ये सेंटेंस कैसे लिखेंगे बिफोर? चलिए आप इसको जरा थोड़ा सा आज काम भी करते हैं. किधर गया हमारा वाइट बोर्ड? वाइट बोर्ड किधर गया? ये है टेक्स्ट. आफ्टर आई एक्स ई आर सी आई आफ्टर आई एक्सरसाइज्ड आई टुक अ शावर. फाइन हो गया. दूसरा मैं लिखता हूँ कि I took a shower after I exercised. Exercised. Spelling mistake ho to aapko khud correct karne agar ho jati hai. I took a shower after I exercised. Theek hai ji, isme maine use kiya after ko as a time expression. Main kehta hu aapse ki iski jagah अगर हम बिफोर यूज करें तो सेंटेंस में क्या चेंज आएगा? आफ्टर की जगह बिफोर अगर हम यूज करें तो
any one of you. सर ये जो आपने की है इस तरह हम चेंज कर दें. मैंने टाइम एक्सप्रेशन लगाया आफ्टर. टाइम एक्सप्रेशन आफ्टर भी है बिफोर भी है. मैं कहता हूँ आफ्टर की जगह बिफोर लगाएं और सेंटेंस का यही मीनिंग रहे लेकिन बिफोर के साथ करें. एक छोटा सा क्विज है आपके लिए. चले ये सब आप सब के लिए छोटा सा क्विज है. गलतियां करें लेकिन सीखें. बिफोर आई टॉक अ शावर आफ्टर आई एक्सरसाइज. अच्छा ओके फाइन गुड. आपने अच्छी कोशिश की. गुड. आपका नाम क्या है जी? एहसान जान. थैंक यू. आपने बिल्कुल अच्छी कोशिश की. गुड. और आप एहसान के अलावा एहसान अलहक के अलावा कोई और? सर इसी ही टेंस में मानी उसका यही रहे. मीनिंग शुड बी द सेम बट रिप्लेस आफ्टर विद बिफोर. एक छोटा सा क्विज आपके लिए. चले एहसान जान ने अच्छी कोशिश की. वेल डन एहसान. गुड. सर बिफोर एक्सरसाइज आई टॉक अ शावर. बिफोर अच्छा मैं आई एम गोना राइट इट डाउन. बिफोर बिफोर एक्सरसाइज आई टॉक अ शावर. यही आपका मतलब है जी सर? देखिए ऊपर लिखा है कि आफ्टर आई एक्सरसाइज और यहाँ पे आप कह रही हैं कि बिफोर एक्सरसाइज. तो मानी तो गलत हो गया ना जी. मैंने कहा कि मानी यही रहे. ओके रिमेनिंग मीटिंग टाइम 10 मिनट्स. थैंक यू. थैंक यू जी. कोशिश करें. सर बिफोर एक्सरसाइज आई टुक अ शावर. यस. देखें एक्सरसाइज के बाद लोग शावर लेते हैं. एक्सरसाइज से पहले कोई शावर नहीं लेता. ये तो कॉमन सेंस की बात है. एक्सरसाइज से पहले तो कोई शावर नहीं लेता. एक्सरसाइज में पसीने वगैरह आते हैं. बंदा थक जाता है तो कहता चलो शावर दे दे. थोक के हिसाब से गलतियां करे. मैं ठीक करूंगा. सर बस आप बता दे. ओके तो आप कह सकते हैं कि बिफोर आई टुक अ शावर आई एक्सरसाइज. अगर आप ऐसे कर दे तो कैसा होगा? बिफोर आप ही का जुमला. बिफोर ये देखे मैं आपके जुमले को ही करेक्ट कर रहा हूँ. बिफोर आई एक्सरसाइज्ड पास्ट फॉर्म. बिफोर आई एक्सरसाइज्ड आई टुक अ शावर. Okay, before I took shower, I exercised. Acha, Ehsan ne bhi bahut achhi koshish ki. Ehsan jan, well done. Before I took shower, I exercised. Well done. Aaye ab isko apni slides mein bhi dekhte hain jo ki humne kiya. Ye dekhiye. I took a shower after I exercised. Before I took a shower, I exercised. After, before, until, soon, as soon as, while, when. ये सब हम सबको हम कहते हैं time clauses. इसके बाद आपका subject और फिर इसको हम कहते हैं time clause. और इन अल्फाज को आप time expressions कह सकते हैं. Time expressions कह सकते हैं. For example, I exercised until I took a shower. मेरे नज़दीक ये कोई अच्छी example नहीं है.
मेरे नज़दीक ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये मैंने किसी और से ली है, इसको मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन मेरे नज़दीक ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है। As soon as I exercised, I took a shower. ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन बस आपका पॉइंट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। As soon as जूं ही I exercised, I took a shower. Immediately after I exercised, I took a shower. ये भी ठीक है। Until to that time and no longer. ये देखो मैंने खुद ही क्लियर कर दिया। Until means to that time. Until का ताल्लुक भी टाइम से है। Until ता वक्त के I exercised, मैंने एक्सरसाइज की। Until ता वक्त के I took a shower, मैंने शॉवर लिया। ये आसान है, मैं आगे जरा से स्पीड में जा रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है। Mary came home while I studying, ये हम पहले कर चुके हैं। When Mary came home, when आ गया शुरू में, कॉमा जरूरी है। When I rang the bell, comma, it played music. दो काम जिरियान में थे, एक आगे पीछे हुए। When I rang the bell, it played music. ये दोनों सिंपल पास्ट और शुरू में when आया, कॉमा जरूरी हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि when allows simple past in both clauses. When allows simple past in both clauses. ये simple past I rang, simple past it played. दोनों simple past और when, तो इनको allow करता है। It's possible, ये आप use कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपसे quiz। अगर मैं when की जगह while लगाऊं, तो बाकी क्या change करनी पड़ेगी sentence में? When की जगह while लगाऊं, तो बाकी sentence में क्या change होगी? सर आप sentence तो बता दें। यही सेंटेंस है, इसी के साथ हम गेम करते हैं। When I rang the bell, it played music. और यहाँ पे when की जगह मैं while कह देता हूँ, तो बाकी सेंटेंस में क्या चेंज आएगा? Sir, repeat it. When I rang the doorbell, comma, it played music. My question is, replace when with while, what other change will take place in the sentence? आसान सी बात है जी, while चिरियान के लिए आता है जी। गलत करे मैं ठीक कर दूंगा। When की जगह while लगा दे, यही हमारा टॉपिक है, यूजिंग टाइम क्लॉज। तो टाइम क्लॉज when है, मैं इसको चेंज करता हूँ while में, बाकी क्या चेंज आएगी? ये है सेंटेंस जी। एहसान साहब, मेरी आवाज आ रही है आप सबको जी? हेलो जी सर, क्लियर है सर। फिर किन आता है ना? देखें, मैंने आपसे कहा था जब आप वाइल लगाएंगे तो इसका मतलब है काम जारी है, फेल जारी है। व्हाइल आई वाज रिंगिंग द बेल, आप सेंटेंस बनाए फिर क्लियर हो जाएगा। चल टाइम को सेव करते। व्हाइल आई वाज रिंगिंग द डोरबेल, व्हाइल आ गया तो ये रिंगिंग फेल जिरियान जारी कंटिन्यूअस में हो जाएगा। व्हाइल आई वाज रिंगिंग द बेल, व्हाइल आई वाज रिंगिंग द बेल, व्हेन आई वाज रिंगिंग द डोरबेल, it played music.
तो अगर आप उसको वाइल लिखे तो ये रिंगिंग हो जाएगा। अच्छी तरह सुन लें, कल के दिन किसी न किसी एग्जाम में ये आपके सामने जरूर आएगा। ये सर मैंने टाइपिंग में सेंड की है। अच्छा, व्हाइल आई वाज रिंगिंग द बेल इट प्लेड म्यूजिक, ये तो माजी में ये काम हुआ था ना, आई वाज तो ये माजी में आप बेल बजा रही थी, तो ये प्लेड म्यूजिक आएगा। बाकी आपका बिल्कुल ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यू आर राइट, यू आपने बिल्कुल ठीक बताया, सिर्फ इसका पास्ट टेंस में लगा दे, बाकी ठीक है। ये रैंक और ये प्लेट सिंपल पास्ट दोनों और वेन के दोनों को अलाउड करता है। ये हो गया। इसके बाद यूज्ड टू, उस दिन हमने ये बात की थी, आखिरी मिनट है बस, आज ये स्लाइड्स खत्म करते हैं। यूज्ड टू माजी का वो काम जो हाल में नहीं हुआ, वो माजी में ही था अभी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वी यूज टू क्राई वेन वी वर बेबीज, जब हम बेबीज थे वी यूज टू क्राई, हम बड़े रोते थे, बड़े तंग करते थे माँ बाप को, अभी नहीं रोते हैं, इसका ये मतलब है। खालिद यूज टू बी आवर क्लासमेट, कोई आपका क्लास फाइव का क्लासमेट जो अभी नहीं है, क्लास फेलो, क्लास फाइव का, अभी वो आपका क्लास फेलो नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि खालिद यूज टू बी आवर क्लासमेट, इसका मतलब है कि खालिद हमारा क्लास फेलो था, इसका मतलब है खालिद अभी हमारा क्लास फेलो नहीं है। खालिद यूज टू बी आवर क्लासमेट, डिड खालिद यूज टू बी आवर क्लासमेट, अब यहाँ पे देखिए ये यूज्ड फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, इसलिए कि इधर डिड आ गया, डिड भी सेकेंड फॉर्म है और यूज फिर फर्स्ट फॉर्म होना है, इसको यूज टू नहीं होना। डिड खालिद यूज टू बी आवर क्लासमेट, बस क्लास खत्म होने वाली, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज क्लास इज गोइंग टू एंड। जी सर, यस, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल सर, ये कैसा?